Very easy. Made my job tougher though to follow an encore. This is a different session, the last one of it, but I think very important, from a business perspective, because we have in front of us, two founders, in that sense, and therefore, their views on people and exactly what we're going to do with respect to being able to lead businesses in the next 10 years and changes that they have seen are going to be important perspectives that we intend to kind of learn from them. But before everything else, let me give a quick introduction to both of them. Mr. Chandubhai Virani, thank you first of all. He's come all the way from Rajkot. He's the owner of Balaji Wafers, which is a 5,000 crore plus company, India's foremost brand in potato wafers, namkeens and snacks. He's an inspiration to many budding entrepreneurs in the country through his story of incredible struggle for robust business since 1974, right? Today, Balaji Wafers is a household name all across, Western India. And amongst many things, he's been awarded a leading organization by, EY. In 2020, the National Geographic Channel featured Balaji Wafers in their prestigious program, Super Factories, right? And then we have another Balaji, Mr. Balaji Iyengar, currently serves as CFO at UNext, a qualified chartered accountant. Balaji has been driving and strengthening the finance functions at UNext since Jan 2021. In his career spanning over two decades, he has been instrumental in aiding organizations in improving their profitability, managing anticipated risks. He's worked closely with the Manikal Education and Medical Group Private Limited. And in my conversation with him, he's worked across a range of businesses, including in the stem cell business. That's quite interesting. So we'll see what is that we can pick up from you, as we speak today, right? चंदू भाई, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करूंगा. आपके अनुभव में अभी एंटरप्रेन्योर में आप देख रहे हैं कि कितना सारा चेंज हो रहा है, राइट? आज वीसी फंडिंग अवेलेबल है. आपने जब 1974 में आपने जब शुरुआत किया, राइट, उस समय से आप इस समय में आप देखते हैं जहां पे जैसे बिजनेस शुरुआत किया जा सकता है, फंड की अवेलेबिलिटी है, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है, आप क्या अंतर देखते हैं उस समय और इस समय पर? हमारे समय में पैसन ज्यादा थी, हमको ऑप्शन नहीं थे, हमको अपेक्षा नहीं थी. आज के समय में अपेक्षा बढ़ गई है, पैसन कम हो गया है और इमरजेंसी ज़्यादा है, इतना फर्क है. बिजनेस में पैसन चाहिए, समझ चाहिए. पैसन होगा तो समझ आएगी, समझ आएगी तभी अच्छा बनेगा बिजनेस. ये कम है मेरे हिसाब से, बाकी आप जाने, सब जाने. जब आपने अपने लोगों का चुनाव किया उस वक्त पे, बिजनेस चालू करते समय, आप गांव से एक छोटे शहर में आए, फिर छोटे शहर से पूरा वेस्ट इंडिया में आपने पूरा अपना बिजनेस सेटअप किया, उस वक्त पे आपने क्या सोचकर अपनी टीम बनाई? नहीं, हमने टीम नहीं बनाई. पहले तो अकाल पड़ा, मुसीबत आई, मुसीबत से हमने वहां से माइग्रेट किया. मेरे गांव से मैं राजकोट आया. पहला गोल था मेरे को यहाँ सेट होना है. उसी टाइम एस्टोन सिनेमा, एक सिनेमा थिएटर था, उसमें उद्घाटन हुआ. इसमें मेरे को कैंटीन में 90 रुपये में नौकरी मिली. मेरे को 90 रुपया, मेरे ब्रदर थे वो हेड थे, उसमें नौकरी मिली. अच्छा काम किया तो कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी. तो वही एक पकड़ के रखा हमने. तो मैं बोलता हूँ पैसन, अपेक्षा कम. तो 20 साल तक पकड़ के रखा. 20 साल में हमने कंज्यूमर में, 7 साल को कंज्यूमर में बेचा. फिर हमने घर में बना के बाइक लेके बाजार में बेचा. इसी पहले घर में बनाया तो क्या किया, आलू भी मैंने परचेस किया, दाल चबा चबा के परचेस की, आदमी नहीं है तो फ्राइंग भी किया. तो मैंने पैसन से सारी समझ आ गई 20 सालों में. 20 सालों में मेरे पास प्लेटफॉर्म समझ का था, पैसा नहीं था. ना मेरे पास पैसा था, ना कोई मेरे को देने वाला था. तो एक मैंने खुद किया. इससे आदत पड़ी कि सपोर्ट से आदमी अपाहिज हो जाता है. बिना सपोर्ट काम करना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है, हमको हेल्प बनानी है. तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय बनाया, मैंने डीलर बनाया, मैंने सप्लायर बनाया. तो सारी हमारे पास जो प्रोसेस लाइनें हैं,
तो इसमें काफ़ी ऐसे है कि हमारा टच है थोड़ा, आप कोई भी चिप्स खाओगे और हमारी चिप्स मैंने यहाँ लाया भी हूँ मैं, थोड़ा डिफरेंस लगेगा आपको। तो हमने कंज्यूमर को समझा, कंज्यूमर को क्या चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि 80% कंज्यूमर को भी समझ नहीं है, तो फिर भी इससे भी हमको ज़्यादा समझ होनी चाहिए। तो समझ कैसी आई, आज मेरे को 49 ईयर्स हो गया, आज तक मैंने इससे अलावा कोई बिजनेस ही नहीं किया। तो मैं कर नहीं सकता कि भाई कोई, काफ़ी लोगों ने बोला कि इसमें अनसेफ्ट रहेंगे, दूसरा सेफ्टी के लिए करना। मैंने बोला हम तो जीवन से आज तक सेफ्टी में ही हैं, अनसेफ है ही नहीं। भगवान ने हमको इंसान बनाया, इंसान से कौन बड़ा सेफ है, फिर भी हम अनसेफ अनसेफ हो के दुखी होते हैं। हम पहले से सुखी हैं, पहले से ना गरीब है ना आज गरीब अमीर है, हम एक इंसान है। इंसान बन के दूसरों को विश्वास दिलाया और इंसान की एक बड़ी फौज खड़ी की मैंने, तो आज हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं। मेरे पास 15 बड़े सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, 600 ट्रकों द्वारा 2000 डीलरों को डिलीवरी करते हैं 18 राज्यों में। और ये डीलर है वो एक एक दुकान बेचते हैं, छोटा डीलर है, फाइव रिक्शा है, बड़ा डीलर है 100 रिक्शा है, वो 40 लाख दुकानों को बेचते हैं और वहाँ करोड़ों कंज्यूमर खरीदते हैं। 74 से 82 तक एक या दो कैंटीन में बिकता था, आज 40 लाख दुकानों में बिकता है। ना किसी को टारगेट है, ना किसी को स्कीम है, ना किसी को सेल की बातें हैं। एक अनोखी में प्रैक्टिकलिटी के एक इंसान के आधार पे एक विश्वास बनाया। कोई भी छोटे से छोटा वर्कर सेटिस्फाई है कि हम चंदू भाई को बात करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। एक कोई भी छोटे से छोटा सप्लायर है, हम चंदू भाई से बात करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमने एक लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। मेरे साथ यहाँ चड्डा जी बैठे हैं, वो कॉरपोरेट कंपनी में से आए थे। मेरे को क्या काम करना है, मेरे को कुछ तू क्या करेगा वो मैं देखूँगा। अभी ये बैठे हैं चड्डा जी तो हम एम्प्लॉय को फ्रीडम देते हैं, हम सारे लोगों को फ्रीडम देते हैं, तो एक विश्वास बढ़ गया। एक मैं छोटी बात कहूँ, मैं फैक्ट्री में जाता हूँ ना तो मैं चाय नहीं मंगवाता हूँ। एक चाय वाला छोटा जो कर्मचारी है मेरा टाइम से चाय दे देता है। तो बात कहने की ये है कि ये जिम्मेदारी मैंने नहीं रखी, उसके ऊपर ठोक दी बिना ऑर्डर दिए, तो ना किसी को टारगेट। फिर भी मैं राजकोट से, मेरे जन्म से पहले बिजनेसमैन है, उसे ज़्यादा टैक्स पेयर हूँ। पूरे गुजरात में स्नैक्स नमकीन में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हूँ। पूरे इंडिया में नंबर वन ग्रोथ जो चलने वाली कंपनी है वो बालाजी है, और ईबीडीआ भी सबसे नमकीन, सारी नमकीन इंडिया की कंपनी में हमारा ईबीडीआ अच्छा है। तो एक अनोखा बिजनेस किया, एक प्रैक्टिकल आदमी बना। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई ईगो वाला आदमी नहीं हूँ। मैं रिस्पेक्ट से ईगो मिलता है मेरे को सबसे बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है तो ये करोड़ों लोगों का। तो इससे मैं एक इंसान, एक सुखी इंसान बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बालाजी, you heard Chandu bhai speak now, you yeah, know I think yeah, so when I came here just now and I was speaking to my wife, they invite me for a panel discussion on HR. Then I sit with Mr. Chandu bhai Virani, she just say all the best. You know, so thanks Karthik for the invite. I was a little surprised honestly when I saw this demystifying human supply chain. I went and googled what it means, you know. So I think it's the sessions so far have been extremely interesting for me. You know, I see the CHRO as treasury guys actually. These are the people actually who invest, right? It's, you know, I've spent a lot of time in investments and treasury and things like that. But the most important part is to get the people right. I think all the sessions so far are interesting. So much to learn, you know, for me to speak and build on.
Yeah, I think part of what we did was also to make sure saying there is no, you know, one stream of thought. So, you know, there is a founder businessman, you know, towering personality. There are people from, you know, company secretary, compliance background, finance, and so on and so forth. So that we look at the same problem from different perspectives. Sometimes, you know, you get silhouetted with a single perspective. Yeah. I think that helps. I think, you know, Chandubhai spoke of a very important part, saying amongst many things to set up passion is like really important. At the same time, you know, in this day and age, you hear about different concepts, you know, in the current generation. One of them, which is, you know, largely prevalent over the last few years, was quiet quitting, right? Mm-hmm. Quiet quitting. Uh-huh. So, you know, you end up coming and you work. So basically, quiet quitting, if you heard saying, listen, I get paid 100 rupees, I'll work exactly for 100 rupees. At one point in time, there was a lot of concept of discretionary effort. You know, people used to aim for saying individuals will go disproportionately beyond, you know, what they're being asked of. In fact, to that particular extent, Chandubhai said, I trust them, I give them autonomy, they do what they do. What is it that we need to do now in a, you know, professional corporate environment to be able to attract such people? We spoke about how the employer-employee social contract in some sense is broken. One is, you know, for an entrepreneur to set up a business like this. But now when you see, you know, employees joining, there seems to be an arm's length distance with respect to how they kind of come inside a corporation and work. I'm not saying for all, but for many that you see that. Is there something fundamentally which has changed, or are we being too cynical and we need to adapt to how things have changed? I think the last two decades, specifically my work in Manipal has been for the last two decades. Maybe 13 or 14 companies we incubated. I think the big change which I see personally is that, you know, we did produce entrepreneurs in the company. While humans as nature, we are entrepreneurs, right? All of us. Some of them went on to form billion-dollar companies. Three of them who worked with us went on to become billion-dollar companies, you know, Big Basket, Zerodha. There are examples of this. And these were essentially people 20 years back had the same spirit. I think the big difference we see is the opportunities they have. You know, interestingly, I was spending time with some young engineers last week in a restaurant, you know. They knew that I come from the family office. I looked at investments and things like that. There is so much they knew. There are things which I never knew, actually. When I looked at it as a proposal, I could not see it. They knew it. And they're aspirational, actually. I think we spoke about it, you know, these young guys being mercenaries. That's what they speak about. I think they're very aspirational. They're seeing all around, right? They're seeing all around people talking valuations, IRR, returns. I think their aspiration, they want to grow and they want to grow fast. And to that extent, I think that's the big change which I'm seeing. There were a few of them who were aspirational, who wanted to make it big. They were happy. Many were happy actually continuing and working in the organization, build careers. It's very rare of people of, you know, Mr. Virani to build companies from scratch. It's unbelievable. It's a honor for me to be sitting next to him. But it's more happening now than ever before. I just came from a conference in Delhi, EdTech. Okay. I think most of these guys are getting it right in terms of business. They know what should be done to grow the business. And then interestingly, in some of the discussions I said, there's a difference between running a business from running a company. They're not getting the governance part right, actually. You know, so that's the part which needs to be done. Otherwise, I think so opportunities in terms of things which has happened in the last 20 years, the opportunities are very large. It's just that you pick up some ideas and there are some who have the passion to get it through, right? So I think this has been my experience of personally, you know, internally as well as externally investing. Things have changed completely in the last 20 years. Got it. चुनुभा एक विषय पर जिसमें उन्होंने टिप्पणी की है कि अभी जो नौजवान है वो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल है, ठीक है? तो अगर आप मायने से आप देखेंगे तो पहले शायद 1974 में जब आपने बिजनेस चालू किया तो शायद 10 लोग आपके साथ जुड़ गए, तो वो शायद आपके साथ काफ़ी सा आपको आपने आप अच्छे तरीके से ट्रीट किया, आपने उनको ऑटोनॉमी दी, वो रहे। बट अब क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि अब जो ज्वाइन करते हैं उन नौजवानों में काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशन है? कोई भी कंपनी में अभी दो से तीन साल भी बहुत ज़्यादा वक्त है, 6 महीने में, 1 साल में उनका एस्पिरेशन है कि वो कोई और नौकरी कर ले। हमारे यहाँ जनरेशन में अलग बात है,
हमने पहले से न्यू जनरेशन को ऐसे ट्रेट किया कि जिम्मेदारी देते गए, तो आज वो एकदम फास्ट जिम्मेदारी उठा ली। आप नहीं मानोगे, मेरा छोटा ब्रदर से इसका लड़का लंदन और अमेरिका पढ़ के आया, तो मैंने बोला ये मतलब ये नहीं कर सकेगा हमारा बिजनेस, और संभाल लिया इसने। और कहाँ, यूपी में, यूपी में 15 बार मैंने उसको बोला कि वहाँ से काफ़ी मिनिस्टर का फोन आ रहा है, नहीं पापा मैं आपको बताऊँगा, पापा मैं आपको बताऊँगा। फिर लास्ट में बोल दिया, यहाँ सारे घर घर में राज की आदमी है, आप फोन करना बंद कर दो, हम कर लेंगे। पूरी फैक्ट्री किसी को पूछे बिना ये लड़कों ने कर दी। तो ये है न्यू जनरेशन में फर्क है, लेकिन हम कैसे हैं इसके ऊपर आधार है। बेटा बेटा करते रहेंगे, बेटा कभी बड़ा नहीं होगा। तो न्यू जनरेशन के ऊपर नो डाउट फर्क होना चाहिए, फर्क होता है हमारे उसमें। बेटा तुमको नहीं मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम करेंगे उसकी गलतियां होगी, उसको गलतियां से डांटना नहीं है, तभी बेटे बाप बनेंगे। तो फर्क तो है आज की जनरेशन में, क्योंकि इसके फास्ट समझ जाते हैं। हमारे समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम तवे में बनाते बनाते थे। आज आप नहीं मानोगे, जो इंडियन प्रोडक्ट गांठिया पीनट गुजिया, इसमें पीएलसी कंट्रोल में पानी मसाला सब पीएलसी कंट्रोल का काम करती है। तो ये सारी समझ उसको है, मेरे को इतनी नहीं है। तो ये आज टेक्नोलॉजी से, तो मैं ये बोलूँगा कि समय के साथ जो चलेगा वो समय उसको साथ ले जाएगा, तो समय के साथ कौन चलेगा? हम नहीं चल सकते हैं, वो न्यू जनरेशन चल सकते हैं। तो बात ये है कि हमारे पास प्रैक्टिकल बात है, उसके पास प्रोफेशनल बात है। हम दिल से बात करते हैं और दिमाग से, तो दो शक्ति बढ़ गई ना। तो फर्क होता है, अपेक्षा एक दूसरे से नहीं करनी चाहिए, अपेक्षा छोड़ दो। ओ है, हम है, कोई बन नहीं सकता, तो कंपैरिजन नहीं होता। ये आप पूछेंगे तो बात करूंगा मैं तो। बाकी तो आज की समय में नो डाउट टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, तो समझ जाते हैं फटाफट। तो ये तो न्यू जनरेशन के बिना आगे समय बढ़ ही नहीं सकता। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बालाजी। वन ऑफ द पॉइंट्स ही मेड इज, यू नो, इन विच आई थिंक द प्रीवियस पैनल ऑल्सो स्पोक अबाउट, is about, you know, trusting people with responsibility, right? But you see two aspects of it. One, you see with the pace at which business is increasing, people say, listen, get me the same person with the same background, you know, if it's a fresh hire, of course. And even internally within companies, there is a certain kind of silos. People are not allowed to move different functions, except for very few businesses, I think few HR kind of spoke about, right? Where do we think we are failing? I see this a lot more in the Western world, where there is a lot more belief in fungibility itself, that a person essentially can do more than one job. He of course spoke about saying, if you give responsibility, they measure up to that responsibility. I think this has changed a little bit. You know, I think when he spoke about clinical research, when we worked on, I think they made me the head for clinical research. It's, you know, I'm an accountant. You know, comes from the finance background, there was less acceptability in the team compared to what it is today. To that extreme, it's very common. And even at that time, it was very common in Europe and US to have functional leaders, HR guys leading companies. You know, clinical research, I'm not talking about, you know, services companies, pure science companies. I think it's becoming little more common than it was ever before. Within organizations, we have seen it, you know, at least the organizations I work with, we have seen it, but I think it's less compared to it would be in some other geographies like US and Europe. It's slowly changing. Who should lead the change? Is it? I think there has to be leadership. You know, if it's large company, the founder level, it has to start from there actually. Okay, got it. Chandu bhai, ek aur vishay jo abhi aata hai, wo hai layoffs ka. Agar aap koi bhi akhbar pad lijiye, badi companies hain, करोड़ों रुपए प्रॉफिट हो रही है, फिर भी आप सडनली आप पढ़ेंगे कि वो 10,000 लोगों को उन्होंने निकाल दिया या 12,000 लोगों को निकाल दिया। कोविड एक ऐसा समय था जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जेन्युइनली डिफिकल्ट थी, बहुत सारों में प्रॉफिट की कोई इश्यू नहीं थी, फिर भी उन्होंने उस वक्त के लिए डिसाइड किया कि भाई 10,000 लोगों को अभी निकाल दें, फिर बाद में अगर ग्रोथ होगा तो देखा जाएगा।
लोगों क्या है, मैं तो हमारे एचआर को बोलता हूँ कि हमारा जो दुख में हमारा साथीदार है तो हम किसी को निकाल नहीं सकते। तो हमने क्या किया, ये जो चड्डा जी बैठे हैं, हमने उसी टाइम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया। सब कोरोना कोरोना करते रहे, मैंने बोला कोरोना बड़ी रात है तो बड़ा दिन आएगा, मौके पे चौका मार दो। बड़ा एक्सपांसन किया हमने, आप देख लेना, नेशनल ज्योग्राफी और बालाजी डालेंगे तो यूट्यूब में देखने को मिलेगा। हमने बड़ा एक्सपांसन किया और सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में ये कोरोना और ये यूक्रेन का युद्ध सबसे बड़ी दिक्कत मेरे समझ में दो आई। ये दो दिक्कत में 3 सालों में हमने 45 ईयर्स में हमने 2500 करोड़ का बिजनेस किया था। ये 3 साल में हमने 2500 करोड़ का बिजनेस किया। सारे लोग कोरोना कोरोना करते रहे और हमने बालाजी का जबरदस्त एक्सपांस कर दिया। हमने 3 साल में प्रॉफिट नहीं किया, लेकिन 3 साल में समझो 300-400 करोड़ का प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हुआ, फर्क पड़ेगा। लेकिन हमने 2500 करोड़ का 2500 करोड़ का बिजनेस कर दिया। अगर कोई 1000 करोड़ डाले बाजार में तो भी कर नहीं सकता। तो आज डबल वैल्यू कर दी हमने ब्रांड बाजार में। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, हमको कुछ खोना नहीं है। बस अब निकाल दो नहीं जरूर है, घोड़ा लंगड़ा हो गया है, ऐसा नहीं होना। एक इंसानियत बोला ना, मैं हम एक इंसानियत के आधार पे काम किया। विश्वास ऐसे नहीं बनती प्रोफेशनल से, दिल से विश्वास बनता है, बातों से विश्वास नहीं बनता। वो काम किया मैंने और थोड़ा ये टच हमारे न्यू जनरेशन दिमाग से बात करती है, थोड़ी दिल वाली करता है। तो ये है आज हमारी जनरेशन में। और हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया तो गुजरात सरकार ने हमको कुछ पैसा दिया, करोड़ों रुपया, कि तुमने ये मुसीबत के समय में लोगों को जनरेशन एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया तो सरकार ने पैसा दिया और हमारा बहुमान किया। तो मौके पे चौका हम तो मारने वाले हैं, हम कोई बिजनेसमैन नहीं हैं, हम तो एक इंसानियत के आधार पे ताकत बनाते हैं। बालाजी, your view on the same thing, I mean of recent it has happened. I think it's very similar, the experience you know we had, you know, in the last 3 years corona. I think with the university setup saw the healthcare, I don't think we had done layoffs which you see. I think it comes from the founder, like it comes from the principles of the founder actually, you know, the compassion, empathy, these are things so can never go out of fashion, right? I think we embraced it. We just kept the employees. We did some calorie cuts. You can't afford to keep large budgets, right? We did all this stuff, but essentially kept a large employee pool in the company. It's important. एक आखिरी सवाल आप दोनों से, चंदू भाई आपसे पहले, business specifically बालाजी wafers को लेके आप ऑब्वियसली बड़े एमएनसीओं से आप कंपीट कर रहे हैं, okay? और उनसे आप जब जब कंपीट कर रहे हैं, आप ऑब्वियसली आपका एक लो कॉस्ट मॉडल है जिसके तरीके से आपने आपका काफ़ी सक्सेस हुआ है। आप किस तरीके से कंज्यूमर सेंटिमेंट पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट चेंज करना है जो कि बड़ी कंपनियां नहीं कर पाएंगी? पहले तो लो कॉस्ट बोला आपने, हमारा लो कॉस्ट इसीलिए है कि हमारा खर्चा नहीं है, हमारा नाटक नहीं है। हमारे कंपनी में कोई नाटक नहीं है। जो नाटक क्या है, टारगेट सेल की बातें, सेल वाली बड़ी टीम, ये सेल वाली टीम नाटक करेंगे तो ही सेल वाली टीम बोली जाती है मेरे हिसाब से। आपको ये समझना नहीं है, मेरे बेटे भी मार्केटिंग के समय मेरे को बैठने नहीं देते। तो ये इसलिए हमारा हम लो कॉस्ट में बेचते हैं, बाकी क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरी बात ये है कि हमारे पास एमएनसी के पास सिर्फ दिमाग से और नियम से चलने वाले काम है। हम बोलते हैं यहाँ अगर गर्मी है तो कोट निकाल दो, कोट नहीं चाहिए। हमारा काम है लोगों को सेटिस्फाई करना। कंपनी बंद हो जाएगी और नियम रहेगा, और नियम क्या काम का? नियम हमेशा ऋतु बदलती है, थोड़ा चेंज होना चाहिए ऋतु के हिसाब, समय के हिसाब से नियम लागू होना चाहिए। मैं बोलता हूँ हमको कोई माल देता है, साला इसके बाप का माल है कि तेरे बाप का? उसके बाप का माल है और पैसा देना तू कैसे तय कर सकता है? उसको समझा सकता है
तो हम क्या है, दिल से बातें करते हैं, समझते हैं, और हमारे पास इंडियन है और हमारे पास न्यू जनरेशन है, तो हमारे पास वेस्टर्न प्रोडक्ट भी है, हमारे पास इंडियन प्रोडक्ट भी है। हम बेंगलोर में नहीं है लेकिन कल आएंगे, ऐसे हमारी स्ट्रेटेजी से आएंगे। ना कोई स्कीम होगी, ना कोई धूम धड़ाका होगा, सबके मार्केट में थोड़ा 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 हम जगह करके नंबर वन हो जाएंगे। आप 5 साल देखिए बेंगलोर में, बहुत तो ये एमएनसी कंपनी नहीं कर सकती। एमएनसी कंपनी क्या करते हैं, वहाँ अलग स्ट्रेटेजी करनी है, वहाँ हमको टारगेट देना है, वहाँ हमको स्कीम देनी है, वहाँ इंसेंटिव देना है सेल के हिसाब से। नहीं, हमको कुछ नहीं करना है, हमको डीलर सेटिस्फाई होना चाहिए, डीलर को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो डीलर का ध्यान रखो, उसका आरओआई कैसे हो उसको ये समझाओ। आरओआई से प्रॉफिट लेना है, हमको ऐसे प्रॉफिट नहीं लेना है। और वो अगर नुकसान जाता है तो हमारा ये डीलर है अगर बंद हो जाता है तो तुमको पाप लगेगा, क्योंकि ये बंद होगा तो जीवन में कभी बिजनेस नहीं करेगा। बिजनेस करना सबसे बड़ा धर्म है, तो वो धर्म कर्म ही तो धर्म है, तो वो बंद नहीं होना चाहिए। वो जिम्मेदारी की बातें मैं करता हूँ। और वो एमएनसी क्या करती है, तुमको इतना सेल करना ही पड़ेगा। हम ये खिलौना नहीं बनाते, हम इंसान बनाते हैं। तो एमएनसी और इंडियन कंपनी में ये फर्क होता है। बहुत धन्यवाद बालाजी। आई थिंक दैट्स वन यू नो लार्जर टॉपिक, लार्ज कंपनीज एमएनसीज टुडे से दे से द एवरेज एज ऑफ अ कंपनी ऑन फॉर्च्यून 500 इज 7 years to 10 years, राइट? What do you think large companies can do, if at all, to be slightly more nimble? To be more nimble in the way? I think he runs a large company now, right? So I think the example which he has set is how to be nimble. You know, he said that he wants to set about running a company which could be number one in South India, right? I think I can give example of companies which I have worked with, right? So I think as an organization, as Manipal, we have been very flexible. When you say nimble, it's fairly large, but it also has a core team of leaders, right, which is fairly been consistent and been there for some time. Which means that, you know, growing from I'm giving the healthcare example here, okay. A hospital in 2 cities to being the number 2 in the country today, I think the decisions were taken pretty fast, actually. So I don't know. I have never worked in a multinational, so I do not know how it functions, how things work there. But broadly, working in a larger company in the Indian context, it even today is founder-driven. Even large Indian companies today, decisions are taken by the founding families and things like that, which I think, much like in Europe, is a good thing, actually. It helps you to be nimble and fast. It's happening in more Indian kind of a setup. I don't know, I cannot speak for them. No, I think makes sense. I think we're pretty much end of time, so I just want to make sure, you know, we get at least, you know, a question or two, you know, given the individuals we have. So if there's any question that anybody would want to ask. No, good. So I think we will kind of close it. I'm mindful we started about 15-20 minutes late, and it's pretty late, given the time of the day. What we'll do is we'll close the session here. We'll hopefully catch up, during dinner with all of you. Bahut bahut dhanyawad, Chandu bhai ji. Thank you, Balaji. Thank you, everyone. I would request Mr. Sudeep George to join us on stage. He's the Chief Operating Officer at TeamLease. Please help me present a small token of appreciation to all our participants. Mr. Chandubhai Virani. Mr. Balaji Iyengar. Mr. Karthik Narayan.
I would request everyone to stay back for a quick group photo. Ah, that's it. Bala, if you could join us.